गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने Redmi 12 5G फ़ोन में फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है। जैसे ही मैं रखूंगा मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ऐसे ही आप भी अपने फ़ोन पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लगा सकते हो अगर आपके भी पास है Redmi 12 5G फ़ोन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप भी अपने फ़ोन पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कैसे लगाएंगे। हालांकि इस फ़ोन में साइड फिंगरप्रिंट आता है बट इस फ़ोन में मैंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लगाया है। तो कैसे लगाया है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको अपने मोबाइल का सेटिंग ऐप ओपन कर लेना है, ऊपर के स्क्रॉल कर लेना है, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर इसके बाद स्क्रीन लॉक वाले ऑप्शन ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपके फोन पे पैटर्न या पासवर्ड है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको ऑफ कर देना है पैटर्न को। फिर इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अपने फोन का फेस लॉक को अनलॉक कर लेना है। फेस लॉक जो है आपके फोन का वो आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको बैक आना है। जब बैक आने के बाद आपके फोन में थीम्स करके एक ऐप होगा वो आपको ओपन कर लेना है, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो। थीम्स ऐप ओपन करने के बाद आपको सर्च कर लेना है कूल यूआई। तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ कूल यूआई। तो जैसे ही आप कूल यूआई सर्च करोगे आपके सामने बहुत सारे थीम आ जाएंगे। तो आपको फर्स्ट वाला ही थीम को डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन पर। तो चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये थीम डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने से पहले आपको इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना है। तो चलिए मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो लॉक स्क्रीन पे ही आपको रहने देना है। बाकी होम स्क्रीन पे अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो लॉक स्क्रीन पे करके आप अप्लाई कर दो। करने के बाद आपको होम पे आ जाना है, बैक कर लेना है बिल्कुल। बैक करने के बाद चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे फ़ोन पे लगा हुआ है या नहीं। तो मैंने अपना फ़ोन ऑफ़ किया, तो जैसे कि मैं अब आपके सामने ऑन करता हूँ, तो अब देखना हमारे फ़ोन पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लग चुका है। जैसे ही मैं अपना फिंगर रखूँगा मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। इस प्रकार से आप भी अपने फ़ोन पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लगा सकते हो। बट आपके फ़ोन में ये रियल डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं लगा हुआ है, ये एक थीम्स के जरिए फिंगरप्रिंट लगा हुआ है। आपको किसी दूसरे को ये नहीं पता चलेगा कि आपके फ़ोन पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है, बट ये एक थीम के जरिए। तो आपके ये फेस लॉक से आपका फ़ोन अनलॉक होगा, पर लेकिन दिखने में ये बिल्कुल रियल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जैसा ही होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।